नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं येवला के जबरेश्वर हनुमान मंदिर में। ये यहाँ का पत्थर, ये दिखता है वैसा पूरा गोल नहीं है। इसके ऊपर सैकड़ों सालों से सिंदूर लगाते आ रहे हैं, इसके लिए इसका वजन 20 से 25 किलो से बढ़ गया है, वो भी केवल सिंदूर की वजह से। जैसे ही मैंने इसे निकाला वैसे इसके ऊपर का सिंदूर टूट गया और अंदर का पत्थर बाहर आया। इसके बाद हम येवला के ही आगे कोटमगांव नाम के एक गांव में आए हैं। यहाँ का ये पत्थर ये कंक्रीट में गाड़ दिया गया है, इससे कम से कम ये सुरक्षित तो रहेगा। इसी के आगे हम सूर्यगांव में आए हैं। यहाँ का पत्थर करीब 60 से 70 किलो के करीब ये पत्थर होगा। इसके बाद हम छत्रपति संभाजी नगर के नांदगांव में आए हैं। यहाँ का हनुमान मंदिर, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऐसी घंटा यहाँ पर लगाई हुई है और अंदर एक छोटा सा पत्थर है। और अंदर यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद हम खंबाड़ा गांव में आए हैं। यहाँ का नेचुरल पत्थर जो कि करीब 90 से 100 किलो का लगता है। इसके बाद हम हिंगोनी गांव में आए हैं। हिंगोनी गांव का यह हनुमान मंदिर और बाजू में ही पत्थर, ये पत्थर करीब 60 से 70 किलो का होगा। इसके बाद हम पुरन गांव में आए हैं। यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसा महादेव जी का मंदिर यहाँ पर है और इसी के बाजू में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसा पत्थर भी यहाँ पर रखा हुआ है। इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हो रहा है।